खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के मनियर नगर पंचायत में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही और बिजली विभाग की अवैध वसूली के खिलाफ सुभासपा के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार हट्टी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जिलाधिकारी को उत्तर के माध्यम से अवगत कराया कि बिजली विभाग कई वर्षों से बिजली का बिल हम लोगों तक नहीं पहुंचाती है, जिससे हम लोगों से बिजली का बिल अधिक आने के बाद नगर पंचायत में हड़कंप मच गया है। नगरवासियों का कहना है कि बिजली विभाग के जितने कर्मचारी हैं सभी अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं। किसी का 1.5 लाख है, किसी का 1 लाख है। सभी से 50,000 रुपए की मांग कर मीटर रीडिंग को 0 कर दिया जाएगा। अगर नहीं दिया तो विजिलेंस की टीम जांच करेगी। मराठी प्रत्याशी नगर पंचायत मनियर चेयरमैन पद के। क्या मामला बिजली अधिकारी कार्यालय पर है? सर मैं देख रहा हूँ कि अक्सर गरीबों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। इसमें विजिलेंस टीम की विद्युत के नाम पर कनेक्शन जो वैध उसका भी काट दिया जाए, वैध उसका भी काटा जा रहा है और वसूली के नाम पर इतना डरा दिया गया कि पूरा मनियर दहशत गुजर रहा है। इसके विरोध हम लोग उनके खिलाफ एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने आए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने तुरंत अभी हम लोग का ज्ञापन पर अपना आदेश पारित करके भेजा है विभाग को। बिजली विभाग आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है? क्या है बिजली विभाग की ये कंडीशन है ना कि 10 साल से पटाई रहती है, उसके बाद एक बार जाती